नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको रीट भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं अन्य भर्तियों की जानकारी मिलेगी। साथ साथ राजस्थान शैक्षिक समाचार की PDF फाइल भी आपको वहां पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 13 जुलाई 2022 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। भास्कर डेली करंट अफेयर्स क्यूज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर विशेष रीट के लिए प्रमुख सवाल सब्जेक्ट गणित और विज्ञान। भास्कर युवा रोजगार अवसर एजुकेशन भास्कर नीट में लागू होगा कोविड का सख्त प्रोटोकॉल। जूते और मोटे सोल के फुटवियर पर रहेगा प्रतिबंध। SSC CGL 2022 टीयर फर्स्ट का स्कोर रिलीज। अगस्त में 3 परीक्षाएं। भास्कर नौकरी न्यूज प्रगति परीक्षा 31 को 16 जुलाई को होगा वेबिनार। इसी सप्ताह जारी होगा ICAC का रिजल्ट। रीट 2022 दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा में मिलेगा 50 मिनट का अतिरिक्त समय। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संशोधित विज्ञप्ति जारी की। परीक्षा 23 और 24 जुलाई को प्रस्तावित दिव्यांगता की 6 श्रेणियां निर्धारित की। बांसवाड़ा भास्कर शिक्षा बोर्ड इस सप्ताह जारी करेगा एडमिट कार्ड। श्रोत लेखक की योग्यता भी सामान्य अभ्यर्थी से कम होगी। रीट शिक्षक भर्ती 2022। बीकानेर शिक्षा विभाग राजस्थान पत्रिका न्यूज तैयारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरी तरह युद्ध स्तर पर जुटा। रीट परीक्षा पद 46,000 प्लस पात्रता की दौड़ में 16 लाख विद्यार्थी। डूंगरपुर रीट परीक्षा को लेकर बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर यादव। डूंगरपुर नवज्योति रीट परीक्षा में नियुक्त बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय। रोडवेज देगा अभ्यर्थियों को 6 दिन निःशुल्क परिवहन। जिला मुख्यालय पर ही परीक्षा देंगे 86% प्रथम वरीयता वाले अभ्यर्थी। जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त बसें रहेगी। राजस्थान पत्रिका न्यूज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर आंकड़ों की जुबानी। विशेष निर्देश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी। धौलपुर न्यूज पटवारी भर्ती। पेपर लीक करने का प्रयास करने वाले कार्मिक होंगे बर्खास्त। अनिल कुमार अग्रवाल धौलपुर रीट शिक्षक भर्ती 2022 कलेक्टर का बयान। 1376 परीक्षा केंद्रों पर होगी रीट परीक्षा। रोडवेज निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराएगा संदेश न्यूज अजमेर। सभी विभाग परीक्षा के आयोजन की तैयारियां टीम भवना से करे बुनकर। कोटा कलेक्टर का बयान रीट परीक्षा मामला संदेश न्यूज। 21 से 26 जुलाई तक फ्री सफर करेंगे रीट अभ्यर्थी हुकनामा समाचार जयपुर। रीट 23 और 24 को जिले के 59 केंद्रों पर 2 दिन में 64,992 परीक्षार्थी होंगे शामिल। व्यवस्था के लिए 7 एरिया व 12 जोनल अधिकारी लगाए। किसी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा पहली बार हो रहा है। भास्कर झुंझुनू में 46 व बगड़ में 13 सेंटर बनाए। झुंझुनू भास्कर रीट शिक्षक भर्ती। रीट जिले के 22 केंद्रों पर 19,000 अभ्यर्थी 23 और 24 जुलाई को देंगे परीक्षा। CCTV कैमरों से रहेगी निगरानी। धौलपुर जिला रीट 1 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा।
रोडवेज बसों में 4 दिन निःशुल्क सफर, भरतपुर में 1,00,000 रीट एग्जामिनर। विधायक गोपी चंद मीणा का ट्यूट, रीट वेटिंग 2021, अध्यापक भर्ती 2021 पूर्ण हो चुकी है। माननीय राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी करके विद्यालयों को शिक्षक और बेरोजगारों को राहत प्रदान करें। रीट शिक्षक भर्ती 2021। थर्ड ग्रेड तबादला, शिक्षा मंत्री का बयान, कहा फिलहाल थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर करने का नहीं है कोई प्लान, अगर कोई ट्रांसफर पॉलिसी कैबिनेट में अप्रूव होगी तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा, 1,25,000 नौकरियां दी, 1,00,000 प्रक्रियाधीन। नवज्योति जयपुर, 1,00,000 प्रक्रियाधीन रीट फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड कंप्यूटर शिक्षक पीटीआई एवं अन्य भर्तियां। शिक्षा विभाग, नए समय पर पदोन्नति और नहीं सीधी भर्ती, स्कूलों में पदों का टोटा, कर्मोन्नति का तोहफा देकर भूल गए सरकार और विभाग। राज्य सरकार ने बजट में किए 4,000 स्कूल कर्मोन्नत, लेकिन अभी तक एक में भी प्राचार्य नहीं। 20,000 व्याख्याता मिले तो बच्चों की सुचारू हो पढ़ाई, गुरुज्योति पत्रिका। पदों के आवंटन के लिए निदेशक ने भेजा था सरकार को पत्र, कर्मोन्नति के बाद इतना चाहिए स्टाफ, इन स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी भी नहीं मिली, फर्स्ट ग्रेड के 20,000 से ज़्यादा पद हो जाएंगे खाली। 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का अनुमोदन, रीट लेवल फर्स्ट। भर्ती परीक्षाओं को सुचारू संचालन के लिए केरल और तमिलनाडु मॉडल का किया जाएगा अध्ययन, मुख्यमंत्री का बयान। हुकनामा समाचार जयपुर, राज्य सरकार द्वारा 30 जनवरी 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और यह रिपोर्ट कल मुख्यमंत्री को सौंपी गई। अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाने के हाईकोर्ट ने दिए आदेश, जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2021 मामला, पुलिस भर्ती 2018 में आज भी प्रतीक्षा सूची का इंतजार, नवज्योति जयपुर। पदोन्नति, 80% पदों पर ही व्याख्याता से बनेंगे प्रिंसिपल, राजस्थान पत्रिका न्यूज अजमेर। प्रवक्ता गणित भर्ती के इंटरव्यू 22 को, राजस्थान पत्रिका न्यूज आरपीएससी अजमेर। आरपीएससी विषयवार कार्यक्रम जारी, सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा परीक्षा 25-26 अगस्त को, राजस्थान पत्रिका आरपीएससी अजमेर। जयपुर जिले को मिले 21 नव चयनित पटवारी, राजस्थान पत्रिका न्यूज। कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती निरस्त, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, भास्कर न्यूज जयपुर। 75,00,000 से अधिक विद्यार्थी एक साथ गाएंगे राष्ट्रभक्ति के 4 गीत। व्याख्याता बनने का इंतजार कर रहे 1,25,000 शिक्षकों को मिलेगी राहत। पदोन्नति में यूजी पीजी में समान विषय की बाध्यता के नियम में मिलेगी शिथिलता, जयपुर भास्कर न्यूज। राजस्थान पत्रिका न्यूज फार्मासिस्ट भर्ती मामला, परीक्षार्थियों की संख्या में 16% वृद्धि, नीट यूजी, राजस्थान पत्रिका कोटा। मुख्य परीक्षा में बैठने से रोकने पर जवाब मांगा, जोधपुर हाई कोर्ट। ओपन बोर्ड, 10वीं 12वीं के आवेदन में जरूरी हुआ जन आधार और बैंक खाता, राजस्थान पत्रिका श्रीगंगानगर। वीडियो परीक्षा, दलाल संजू ने किया था अभ्यर्थी से सौदा, असल अभ्यर्थी से 5,00,000 लेने और फर्जी अभ्यर्थियों को 4,00,000 देने का हुआ था सौदा, भरतपुर भास्कर न्यूज। महात्मा गांधी स्कूल, पहला
पहली कक्षा के बच्चों पर अब नहीं पड़ेगा किताबों का बोझ। बच्चों की पढ़ाई और रुचिपूर्ण बनाने के लिए विद्या प्रवेश कार्यक्रम मदनगंज किशनगढ़ भास्कर न्यूज। शिक्षकों के स्थानांतरण करने सहित ज्वलंत मुद्दों को लेकर आंदोलन का ऐलान। राजस्थान शिक्षक संघ नागौर।